एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेंट्स नेस्ट। मैं रूबी सेन आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एग तिहारी रेसिपी। चिकन तिहारी इज़ अ वेरी पॉपुलर रेसिपी है, लेकिन मैंने एग तिहारी ट्राई किया है और ये बहुत ही डिलीशियस बना था और बहुत ही लेस इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ की हूँ मैंने, और मैंने बहुत ही इजी वे में इसे प्रिपेयर किया है ताकि किसी बैचलर्स को या बिगनर्स के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो एंड दे कैन इजीली प्रिपेयर इट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 4 एग्स लिया है और 3 पोटैटोज़ लिया है, जिसे अभी बॉयल करें। इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 अनियंस लिया है, जिसे स्लाइस कर ले और ग्रीन चिलीज़ को भी कट कर ले। और ग्रीन चिलीज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कौन कितना तीखा खाता है। और एक टोमेटोज़ को भी कट कर ले। एग्स और पोटैटोज़ मेरे बॉईल हो चुके हैं, इसे बीच से ऐसे कट कर ले एग को, नहीं तो ये बर्स्ट हो सकता है। सॉल्ट ऐड करें अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ऐड सम टर्मरिक पाउडर और ऐड करें रेड चिली पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा जब हम फ्राई करेंगे। और सबको अच्छे से मिक्स कर दें ताकि अच्छे से कोट हो जाए, सॉल्ट टर्मरिक और रेड चिली पाउडर अच्छे से कोट हो जाए एग और पोटैटोज़ में। और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। तिहारी मस्टर्ड ऑयल में ही प्रिपेयर होता है, अगर आपको पसंद नहीं तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही ऑयल गर्म होगा उसमें एग को डालें और एग को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। एग हमारी फ्राई हो चुकी है, उसे अलग निकाल के रख लें। उसी ऑयल में ऐड करें 5 इलायची, 1 बड़ी इलायची और कुछ दालचीनी के स्टिक्स ऐड करें। और ऐड करें कुछ गोल मिर्च और ऐड करें 1 जावित्री, 1 तेजपत्ता ऐड करें। इन सारे खड़े मसालों को अच्छे से फ्राई करें तब तक जब तक कि सारे इनका फ्लेवर ऑयल में इन्फ्यूज़ हो जाए। अब इसमें ऐड करें 2 बड़े प्याज जो हमने स्लाइस करके रखा था, उसे ऐड करें। अनियंस को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। अब इसमें ऐड करें बॉइल्ड पोटैटोज। अनियंस अभी भी हमारा अच्छे से फ्राई नहीं हुआ है, इसी बीच में इसमें पोटैटोज को ऐड कर दें ताकि पोटैटोज भी अच्छे से फ्राई हो जाए अनियंस के साथ। इसे कवर करके मीडियम हीट पे फ्राई करें ताकि जल ना जाए। अनियंस हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, फ्राई हो चुका है। एंड नाउ इट्स टाइम टू ऐड टोमेटोज। अच्छे से मिक्स करें, मिक्स इट वेल। अब इसमें ऐड करें 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करें। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करें। ऐड करें टर्मरिक पाउडर, ऐड करें कश्मीरी रेड चिली पाउडर फॉर कलर। अब इसे अच्छे से मिक्स करें, मिक्स इट वेल। और इसे कवर करके कुक करें फॉर अनदर 5 मिनट्स, तब तक जब तक कि मसाला अच्छे से भुन जाए। मैंने यहाँ पे विष्णुभोग राइस लिया है 2 कप। आप कोई भी राइस से इसे बना सकते हैं, या बासमती राइस हो या जीरा राइस हो, किसी भी राइस के साथ ये आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने राइस को अच्छे से वॉश कर लिया है, वॉश करके मैं इसे स्टेन करके रख दूँगी ताकि सारा वाटर निकल जाए। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें ऐड करें 2 बड़े चम्मच दही। इसे अच्छे से मिक्स करें, मिक्स इट वेल। और इसे कवर करके अनदर 5 मिनट्स के लिए कुक करें। तब तक इसे कुक करें जब तक कि ऑयल रिलीज़ ना हो। आफ्टर 5 मिनट्स यू कैन सी कि ऑयल रिलीज़ हो गया है। अब इसमें ऐड करें 1 चम्मच के करीब जायफल पाउडर और 1 चम्मच के करीब गोल मिर्च पाउडर। साथ में बॉइल्ड फ्राइड एग्स को भी ऐड कर दें और अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करके अनदर 5 मिनट्स के लिए इसे कुक करें।
और हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि एक बड़े से बर्तन में आप घी ऐड करें। आप घी के बदले कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी डाला है, साथ में 3 इलायची और कुछ दालचीनी, 1 तेज़पत्ता ऐड करें। ये जैसे ही फ्राई हो जाएगा इसमें ऐड करें 1 sliced onion, अच्छे से मिक्स करें, मिक्स इट वेल। इधर हमारा एग अच्छी तरह से प्रिपेयर हो चुका है, इसमें ऐड करें 1 teaspoon के करीब गार्लिक पेस्ट एंड 1 teaspoon के करीब जिंजर पेस्ट ऐड करें। फिर से सभी को अच्छे से मिक्स करें, मिक्स इट वेल, और इसे अच्छे से फ्राई करें तब तक जब तक कि रॉ स्मेल ना चला जाए जिंजर और गार्लिक का। ऐड करें सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अनियंस अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें राइस ऐड करें। राइस को अच्छे से फ्राई करना है, जैसे पुलाव में राइस को फ्राई करते हैं ठीक उसी तरह इसमें भी राइस को अच्छी तरह से फ्राई करें। राइस हमारा फ्राई हो चुका है, इसमें ऐड करें 2 cups ऑफ वाटर और 2 cup के करीब मिल्क ऐड करें। हमने 2 cup राइस लिया था इसीलिए 4 cups ऑफ मिल्क एंड वाटर हमें ऐड करना है, इसीलिए 2 cup वाटर और 2 cup मिल्क हमने ऐड किया। अब इसे अच्छे से मिक्स करें, मिक्स करने के बाद इसे लो हीट पे कुक करें। तब तक कुक करें जब तक राइस हाफ कुक हो जाए, 50% तक कुक हो जाए तब तक इसे कुक करें कवर करके। 50% तक हमारा राइस कुक हो चुका है, इसे अच्छे से स्टर कर दे, अच्छे से मिक्स कर दे। अब इसमें ऐड करें एग करी को, सारे एग करी को इसमें ऐड कर दे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें, मिक्स इट वेल। अच्छे से मिक्स करने के बाद हल्के हाथों से इसे मिक्स करें ताकि एग्स या पोटैटोज कोई भी टूटे ना, और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे कवर करके अनदर 5 मिनट्स के लिए कुक करें, तब तक जब तक कि राइस फुल्ली कुक्ड ना हो जाए। अब इसमें ऐड करें 1 teaspoon के करीब केवड़ा वाटर, विच इज़ वेरी एसेंशियल इंग्रेडिएंट। मैंने इंडक्शन को बंद कर दिया है और इसे कवर करके मैं 10 मिनट्स के लिए स्टैंडिंग टाइम पे रख दूँगी। और आपका एग तिहारी इज़ रेडी टू सर्व। इसे सर्व करें गर्मा गर्म रायते के साथ, पोटैटो रायता या बूंदी रायता के साथ इसे सर्व करें, और इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही डिलीशियस बनता है और घर वाले बहुत ही खुश हो जाएंगे इसे खा के, छोटे से लेके बड़े तक। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। आप लोग का कमेंट्स मुझे बहुत ही इंस्पायर और एनकरेज करता है, सो प्लीज़ कमेंट मी। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है साड़ी 100 और मेरा फेसबुक पेज है सेंस नेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम।